की मोमिना है या कैसी मोमिना है? पढ़ी लिखी मोमिना हूँ। और इस्लाम भी पढ़ा है आपने? हाँ जी पढ़ा है। हाँ कोई सूरह सुना सकती हैं? बिल्कुल सुना सकती हूँ। सुनाइए। सुभानक अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सना सुनाऊंगी आपको। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक इस्मुका वला जद्दुका व आला आलु गैरुका। ये सूरा तो नहीं है, कोई सूरा सुना दो। इसमें भी आपने थोड़ी बहुत मिस्टेक की है, कोई मुश्किल नहीं। ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अलहमदुल शरीफ सुना दूँ आपको। सूरह फातिहा हाँ जी, सुरान जी। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम ग़ैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। माशा, बहुत जबरदस्त। आप जाकिर नायक को सुनती है कभी? बहुत सुनती हूँ। क्या मतलब, व्यू क्या क्या है आपका जाकिर नायक के बारे में? जाकिर नायक साहब काफी एजुकेटेड और काफी उन्होंने इस्लाम पे और अदर रिलीजन के ऊपर काफी उन्होंने रिसर्च करी है और उन्होंने फिर ये सब हर चीज को साइंटिफिकली अगर देखा जाए और अदर रिलीजन से मिला के भी देखा जाए तो उन्होंने इस्लाम के लिए काफी बहुत चीजें उन्होंने की हैं। काफी आप लगाइए लाखों की तादाद में उन्होंने लोगों को इस्लाम कबूल करवाया है। बहुत जबरदस्त। अच्छा, अभी स्ट्रीम कब से देख रही है सैयद अली जी? मैं स्टीम जो देख रही हूँ वो आपका कल ही मैंने चैनल देखा है और कल से ही मैं आपका देख रही हूँ कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली, बहुत जबरदस्त। अच्छा, अभी जो आज की स्ट्रीम है वो कितने देर से देख रही हैं आप? मैं आपका 9:30 या 9:45 से मैं देख रही हूँ। ओके। अच्छा सैयद अली जी, अभी हमने जाकिर नायक साहब की एक वीडियो दिखाई जहां पे वो बता रहे हैं कि जो हिंदू धर्म ग्रंथ है उसमें मोहम्मद साहब का जिक्र है, ठीक है? बेशक भविष्य पुराना का उन्होंने एक हवाला दिया था और उसमें कहा था कि रसूलुल्लाह के बारे में वहां पे बताया गया है, ठीक है? अभी भविष्य पुराना अगर आप 9:30 से देख रही हैं तो आपको समझ में आया होगा कि वो जो भविष्य पुराना का जहाँ पे हवाला दिया गया है और जिस शख्स को, जो भविष्य पुराना में महामत नाम है, उसको जाकिर नायक साहब ने मोहम्मद से ताबीर की रसूलुल्लाह से, तो भविष्य पुराना में जो महामत है, जो कि रसूलुल्लाह के, जो जाकिर नायक के रसूलुल्लाह है, वो एक राक्षस आदमी, असुर, असुर आदमी है, नेगेटिव रोल वाला आदमी है। और आपने कहा जाकिर नायक बहुत पढ़े लिखे हैं और सबको मुसलमान बना रहे हैं, तो क्या आप जाकिर नायक की बात से अग्री करती है कि मोहम्मद साहब जो है, सो कॉल्ड मोहम्मद साहब जो इसमें है, और जाकिर नायक की बात के हवाले से कि वो एक राक्षस इंसान है? बेशक नहीं कोई राक्षस नहीं है। मैं आपको वही सुनाती हूँ जो आपने जो इसका लिया हुआ है अपने ग्रंथों का। ठीक है इसका अनुवाद मैं आपको करके बताती हूँ जो आपने मुझे देखो संस्कृत इतनी आती नहीं है पर मैं इसका हिंदी तर्जुमा बताऊंगी। ओके, ठीक है प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। उस समय एक ये श्लोक नंबर 5 और 8 का अनुवाद है। ठीक है उस समय एक आध्यात्मिक शिक्षक आचार्य जिसे महम्मद के रूप में जाना जाता है अपने साथियों शिष्यों के साथ मलिच्छो मलिच्छो के बीच प्रकट हुआ। अब मलिच्छो किसे कहते हैं? मलिच्छो को आपने एक बुरे इंसान गंदे इंसान की आपने मिसाल दी है पर मलिच्छो का एक देखो एक मतलब एक चीज के कई मतलब होते हैं। यहाँ मलिच्छो आधा मा ला पे एक ही मात्रा च और छे और ओ के रन्ना और अंकी बिंदु। ठीक है इसमें आता है इसका मतलब होता है गैर भारती मतलब गैर आर्य मतलब जो भारत का रहने वाला नहीं है के बीच प्रकट हुआ ठीक है, ठीक है, डन, मरुस्थल। कोई इशू जी, आगे। मेरे को पूरा बोलने दीजिए प्लीज है मैंने बहुत हाँ देर आपका वेट किया है आपके आपसे बात करने के लिए तकरीबन जब से ही मैं कनेक्ट हूँ। मरुस्थल निवासियों निवासी इस महादेव देवदूत स्वभाव के को राजा के पंच
गाव्य में स्नान और गंगा जल जिसका अर्थ है उसका सम्मान और उसकी स्तुति करना, देने के बाद उसे भेंट दी और उसे पूरी श्रद्धा दिखाते हुए कहा, मैं भुगतान करता हूं आपको प्रणाम, प्रणाम नमस्ते। हे मानवता के गौरव गिरिजानाथ, रेगिस्तान के निवासी यानी मरुस्थल निवासी अरब निवासी, आप छल फैलाने वाले दैत्य त्रिपुरासुर नाशा के संहारक हैं, मतलब जो छल फैलाते हैं और जो त्रिपुरासुर नाशा के संहारक है, मारने वाले हैं। आप सभी मलेच्छों से सुरक्षित हैं। मलेच्छों, एक एक मलेच्छे ऊपर था कि उसका मतलब था कि बाहर का होगा, और आप सभी मलिच्छो ये नीचे देवी है जी, ये। एक सेकंड, बस एक सेकंड, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो संवाद आप बता रही हैं, ये भगवान शंकर, ये भगवान शंकर राजा भोज से कह रहे हैं कि मैं आपको सुरक्षा प्रदान कर रहा हूँ सारे मलेच्छों से, जिनका नहीं, गुरु ये महामत है। जी, मैं आपको एक लाइन दे रहा हूँ, आप उसी अध्याय के श्लोक नंबर 10 में आ जाइए देवी जी, और उसमें मलेच्छ, मलेच्छे सुदूषितः भूमि भूमिर्वाही का नाम विश्रुता, इसका ट्रांसलेशन कर मैं दीजिए कृपया। श्लोक नंबर 9 से 14 तक के अनुवाद पे आप मेरा सुन लीजिए पहले, फिर इसके बाद प्लीज सुनाया मेरे को तो ना आप, आपने, जहां पे मैंने डाउट पूरा है। सैयद अली, सैयद अली, डिस्कशन जो है ना, ऐसे नहीं होता है कि आप तकरीर करेंगी और उसके बाद 10 पॉइंट एक साथ लेके आ जाएंगी, फिर जवाब देने में वो मिस हो जाएगा। जो पहली चीज है कि जिसको आप अच्छा बता रही है और ब्रह्म राक्षस भाई बुरा बता रहे हैं, पहले वो साबित हो जाए कि अच्छा या बुरा है। तो फर्स्ट में क्या है, पहले आप उस पर बहस करिए। जी ब्रह्म हाँ राक्षस साहब, जी। और देवी जी, आप 11, जो 11वां श्लोक है, त्रिपुरो बलि दैत्य न प्रेषिता पुनरागता, इसका अर्थ आप जो है अपने जहां से भी आप ट्रांसलेट कर रहे हैं उसकी मतलब, उसका मतलब बता दीजिए। मेरे पास ये रहा ना, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। जी, आप आर्काइव से ओपन कर लीजिए, आपको गोरखपुर का या आपको उससे पुराने वर्जन भी मिल जाएंगे। मेरी आवाज आ रही है साहिलिया साहब? हाँ, आ आ रही रही है, आ आ रही रही है। है ठीक, आपकी। कहाँ से आप बता रहे थे? 9 से लेके जो है आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। हाँ, 9 से मैं पढ़ना शुरू करती हूँ आपके लिए, ठीक जी है। जी जी हाँ स्वतः गोस्वामी ने कहा, राजा जी प्रशंसा सुनकर एक दूत देव ने उनसे कहा, हे भोजराज, महालेश्वर स्थान पर जाइए। दूसरे शब्दों में उस स्थान की स्थिति देखिए। मलेच्छों ने अरबों की परिस्थिति भूमि विवाहित देश को बिगाड़ दिया है। आर्य धर्म रुकिए भारतीय रुकिए रुकिए रुकिए, बोलचाल। देवी जी देवी जी देवी जी जी देवी जी, अभी आप मलेच्छ शब्द का उपयोग जो है विदेशी के लिए बता रही थी, तो जहां पे ये मलेच्छ शब्द का उपयोग किया गया, मलेच्छों ने अरबों की भूमि की ऐसी की बिगाड़ दिया है, राइट, दूषित कर दिया है। हाँ, आगे पढ़िए जी। आगे मैंने क्या बोला, ऊपर जो मलेच्छे लिखा है और नीचे जो मलेच्छे लिखा है, दोनों का अर्थ अलग है। अच्छा, आप ये कोई बात देखो, एक, नहीं, कोई बात नहीं, हाँ, कोई बात नहीं, चलिए आगे आगे पढ़िए, आगे अरबों पढ़िए, मजा की आएगा। वाहिका देश, मतलब प्रसिद्ध भूमि वाहिका देश को बिगाड़ दिया है। आर्य धर्म भारतीय बोलचाल वाहिका में नहीं, सत्य, वाहिक होगा जी। एक सेकेंड, मलेच्छों ने अरबों की प्रसिद्ध भूमि वाहिका लिखा हुआ है इसमें। गलत लिखा हुआ है, अब कोई बात नहीं, आप आगे पढ़िए। बोलचाल में सत्य का धर्म उस देश में नहीं पाया जाता है। वाहिका, सॉरी, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि इसमें वाहिका इसलिए लिखा है क्योंकि संस्कृत में आपका जो उससे रिलेटेड आपका जो प्रेपोजिशन होता है वो उसके शब्द के साथ जुड़ा होता है, ठीक है, वाहिक होगा, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करिए। इससे पहले भी ये शैतान प्रकट हुआ था। त्रिपुर सुर शैतानी काल को दर्शाता है। जैसे मैंने मार डाला था, वह शैतान के आदेश से फिर से आया है, मतलब शैतानी समय लौट आया, इस गुमराह लोगों को सही रास्ता दिखाने और उन्हें सच्चाई का मार्गदर्शन करने के लिए। प्रसिद्ध मोहम्मद जिन्हें अरे ब्राहा, भाई देवी जी, आप खुद थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, जो किताब आपको दी गई है उसमें वर्णन किया जा रहा है कि त्रिपुरासुर,
त्रिपुरासुर जो है वो शैतान है, राजा बलि शैतान नहीं है वो, वैसे वो जो लोगों को सजा देते हैं वो ऐसे लोक के स्वामी हैं जिसमें लोग दुख भोगने जाते हैं, ठीक है। हाँ, उनकी उनकी उनके प्रेषित करने पे दोबारा आ गया है, ठीक है। अब अचानक से कहाँ से शिक्षा देने की बात शुरू हो गई, उसके जस्ट बाद वाली लाइन है महामद इति ख्यातः, उसे महामद कहा गया है, वो आप मेरी त्रिपुरासुर बात का अवतार आया है। पूरा तो सुनिए ना। आप लॉजिकली सोचिएगा, आप आप एक लोगों बार का फिर से। प्रॉब्लम, आप लोगों का प्रॉब्लम पता है क्या है? आप पूरा तो आप कहते हो यहां से पढ़ो, बीच में का खा जाते हो, फिर ऊपर से पढ़ो अरे भैया, नीचे की देखिए लाइन देखिए खा देखिए जाते हो, देखिए देखिए, ऐसा नहीं होता। देखो जब तक त्रिपुरो आप पूरा मोमेंट रुक जाइए, मैं आपको बताता हूँ, एक सीन दीजिएगा देवी जी। त्रिपुरो बलि दैत्य ने प्रेषिता पुनरागता, ठीक है। अयोनिय सवरो मता, आगे रुक जाए, मैं अपने वाले स्क्रीन से पढ़ लेता हूँ। अयोनि सवरो मता प्राप्त वंदय वंदैत्य वर्धना, ठीक है। इसके आप एक बाद बार महामद गए। इति ख्याता, इसमें सुनिएगा सुनिएगा, त्रिपुरो बलि दैत्य ने प्रेषिता पुनरागता, ये 11वां श्लोक है। उसके बाद 12वां श्लोक एग्जैक्ट उसके बाद वाला आता है, उसके बाद लिखा गया है कि महामत उस व्यक्ति का नाम होगा जो त्रिपुरा सुर जो है वो बलि दैत्य इनके प्रेषित करने पे आया है। उसके बीच में ये वाली लाइन कहाँ से, किस श्लोक का अर्थ है कि धर्म का प्रचार करने और ये करने आएगा, आप मुझे बता दीजिए। 11वां श्लोक ये आपके सामने है, 12वां श्लोक नहीं उसके तो जस्ट बाद लिखा हुआ है। मैं जब आपको 5 से लेके 8 तक का मैं बता रही हूँ, फिर आप एक अरे सिस्टमेटिक चलिए ना। मैं सिस्टमैटिक चल रहा हूँ देवी जी, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि आप क्या कर रही हैं इस समय। मैं ये वाली कुछ नहीं लाइन आपको कर, दिख रही है जिसके आगे आपको 11 लिखा हुआ है, ये वाली लाइन आपको दिख रही है कि नहीं, पहले ये बताएं आप हमें। अरे आप मुझे बताइए, जब जो आप कहोगे वो थोड़ी ना पढ़ूंगी मैं तो। अगर आप एक मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि आप अपना ही ट्रांसलेशन पढ़ें, मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ आप मेरा ट्रांसलेशन पढ़ें। मैं आपको संस्कृत में त्रुटि दिखा रहा हूँ कि आप गलती क्या कर रहे हो देवी जी। जो आपने त्रिप्रो बलि दैत्य ने प्रेषिता पुनरागता जो आपने पढ़ा है कि शैतान, मतलब शैतान तो नहीं होगा, मैं गलत कह रहा हूँ, शैतान के भेजने से वो त्रिपुरासुर वापस आ गया है, उसके तुरंत बाद वाली लाइन में लिखा हुआ है महामद इति ख्याता, ठीक है। उसे महामद के नाम से जाना गया है, महामद राक्षस के नाम से जाना गया है। देवी जो जी, वो बीच वाली जो लाइनें हैं वो इनमें से किस श्लोक का अनुवाद है, आप हमें ये कौन बता सी दीजिए। वाली? ये जो आपकी ये आपका ऊपर वाले श्लोक का है, इति श्रतवा सता देव शब्द मान नृपा तमामा, ये वाली, इसका भूमि वर्ग के नाम विस्तृता, ये सब इसकी है जो मैंने आपको ऊपर वाली बताई है। अरे और त्रिपुरा, इसके अलावा एक मिनट रुकिए आदम, एक मिनट मैं आपको दूसरा भी दिखाती हूँ जिसमें डॉक्टर दूसरा मत दिखाइए भाई, आप 11वां श्लोक पढ़िए संक्षिप्त में, मैं आपको बताता हूँ। आपने आप मुझसे ग्यारहवां एक मिनट, श्लोक पढ़िए, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि आप 11वां गलती क्यों कहाँ नहीं कर पढ़ रही रही हैं। आप? आप 11वां श्लोक पढ़िए, उसके बाद 12वां पढ़िए। मैं आपको फ्रॉम दी लगा लो आप, मैं आपको 5 से लेके पूरा पढ़ के सुना रही हूँ, आप पूरा सुनिए अरे ना। देवी जी, दिक्कत क्या हो रही है कि आप में 5 तक का श्लोक तो दे दिया गया है, ठीक है, जो आपकी हाँ जाके नायक तो की मैं किताबें आगे पढ़ हैं। रही हूँ, 11वां भी पढ़ रही हूँ। आपने मुझसे बोला 9 से 14 तक पढ़ो, मैं तो पढ़ रही हूँ। आप 1 सेकंड का समय देते हैं, मैं आपको प्रश्न बता दे रहा हूँ ताकि आप उत्तर जो है वो बेहतर दे पाएंगी, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 11वां श्लोक पढ़िए, उसमें पढ़िए त्रिपुरो बलि दैत्य ने प्रेषिता पुनरागता, पढ़िए आप उसे, ठीक है। उसके बाद 12वां श्लोक पढ़िए, अयोनिया सर स वरो प्राप्त वंदय वंदयत सुवर्धना, ये वाला, फिर महामद इति ख्याता, ये वाला पढ़िए। आपको आपको अगर संस्कृत नहीं आती होगी तब भी आपको आइडिया लग जाएगा कि जो त्रिपुरासुर के दोबारा प्रेषित होने वाला वर्णन है उसके जस्ट श्लोक के बाद जो है कहा गया है कि उसे मोहम्मद के नाम, उसे महामद के नाम से जाना जाएगा, उसके बीच में और कोई जो श्लोक ऊपर नहीं जो है। श्लोक लिखा तो जो है वो श्लोक गलत है, इसका मतलब ऊपर जो बोला गया नहीं, है कि उस ऊपर समय वाले आत्म श्लोक जिसे महम्मद सही के हैं, रूप उनके से जाना ट्रांसलेशन भी जाता आपने है। सही, उनके उनके वाले जो ट्रांसलेशन जो किए हैं वो आपने गलत नहीं किए हैं, मतलब थोड़ा बहुत गलत है। बलि को आपने शैतान बना दिया है, फलाना ढिमकाना, लेकिन ये है नहीं कि नहीं मैंने 11वें के कुछ बाद ही, जो 12वें के बीच में जो चीजें डाली गई हैं
वो आपके जाकिर नायक के लोगों ने डाली है देवी जी, आप एक बार पढ़ के देख लीजिए, हाँ आपको अपनी खुद की कंफ्यूजन ऐसा क्लियर हो जाएगी। ऐसा जी कुछ नहीं है जाकिर नाइक। अच्छा ठीक है, एक जगह जाकिर नाइक, आप यहाँ पे जाकिर नाइक जी ने क्या बता, आप लोगों ने वो जो आप ये दिखा रहे हो, आप जो इसका संस्कृत अर्थ बता रहे हो, अब इसमें आप ये गूगल भी करके देख आर्काइव सकते हो। का है, ये 150 साल पुराना है देवी जी, ये आर्काइव डेढ़ की सौ साल फोटो पुराने ही मैंने निकाला है, उसका अर्थ उसका हिंदी में है। 10 और 11 अनुवाद में क्या निकाला लिखा है? सैयद अली, 10 और 11 में क्या लिखा है, जरा ट्रांसलेशन पढ़ो। आप कहाँ से पढ़ रही है ये? है। ये मैं आपका यही पढ़ रही हूँ, भविष्य पुराण जो इन्होंने खोल रखा है उसका नीचे, नहीं ये नहीं आप अपने अपने स्क्रीन पे पढ़ रही हैं या जो अभी फोन से। आप फोन अब मुझे पे आपके साथ जो शेयर करना नहीं आता, मैं ऐसे आपके स्क्रीन में, मैंने दूसरे फोन में इसको निकाल रखा है एक्चुअली। किसका किसका ट्रांसलेशन है वो? ट्रांसलेशन है मतलब? अरे वो किसका भविष्य किसका? पुराना तो संस्कृत हाँ में ना। भविष्य अच्छा पुराण, पुराण प्रति सर्व पर्व थ्री का संस्कृत पाठ खंड थ्री अध्याय थ्री श्लोक 5 से 27 तक है, नीचे दिए गए। ठीक है सब ट्रांसलेट आप, किसने किया है, ट्रांसलेशन साहित्य किसका कृति पढ़ का रही हैं आप? ट्रांसलेट किसने किया है? जो आपने ये निकाला है ना, सेम वही निकाला हुआ है, अब इसमें नाम नहीं आ रहा किसका जो मैं ट्रांसलेट। हार्ड कॉपी का ये फोटो है, ये हार्ड कॉपी का स्कैन है, मैं आपको ओरिजिनल पुराण के जो है वो दे रहा हूँ, आर्काइव से ट्रांसलेशन दे रहा हूँ, उसके नीचे ट्रांसलेशंस लिखे हुए हैं। जी अच्छा, पांच अब से अपना ब्रह्म राक्षस भाई और सैयद आपने अली। ये कहा था कि एक मिनट एक ब्रह्म मिनट एक मिनट एक राक्षस मिनट जी, एक मिनट आप सैयद मेरी अली, बात सुनिए, आप मेरी प्लीज मेरी बात सुनो। आपने ये कहा कि डॉक्टर जाकिर नायक इसमें चेंजेस करना चाहते थे लेकिन वो कर नहीं पाए, ये बात नहीं आपने ये कही नहीं थी। कहा है, ये नहीं कहा है, अल्लाह, ये आप कहा है, अपनी, और वो ये कर नहीं पाए कहा क्योंकि गूगल पे सारी चीजें वो हो जाती हैं, सेव हो जाती हैं, तो उसमें एडिटिंग नहीं हो पाई, है आपने ये दली। बात अरे बोली। क्योंकि हमारे पुराण हमारे मठों में रखे हुए हैं देवी जी, हाँ तो अब आप मठों में इतनी रखे सी हुए हैं चाहे इतनी मटकों में रखे इतनी हुए हैं, सी लेकिन मेरी बात सुनिए, इतनी सी बात आपको आपके समझ समीर में नहीं आ रही है, एक सेकंड रुकिएगा ना, पे, साहिल प्लीज सुन नहीं है लीजिएगा, समीर, आई डोंट नो क्या नाम है उनका, ये बोला प्लीज आपने सुन लीजिए, बोला। प्लीज सुन लीजिए मेरी बात, ठीक है? ये आपका गुस्सा नहीं होना देवी है जी, आपका दीदी, प्लीज ध्यान आराम से सुनिए, से, तवे पे तो नहीं नहीं बैठी मैं है ना? तवे पे नहीं मैं बैठी आपको हूँ ऐसा लेकिन बच्चे भूखे लग हैं रहा है मेरे। आपकी बातों से कि ऐसा एकदम तवे पे बैठी है। देखिए सैयद अली जी, पांच मैं तो से 1 लाख रुपए लेके बारह जाऊंगी आपसे। एक मिनट 5 से 12 हमें समझना है, ठीक है? बताइए 5 में क्या देखो लिखा हुआ मैं, है? एक आपने इक्कीस जाति, कहा, मेरी बात सुनिए, मेरी बात भी सुनिए, देखो इतने लोग एक आपको, मिनट देखो नहीं, एक मिनट, अरे रुको यार, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, एक मिनट रुको, इतने लोग एक आपको मिनट, देख रहे हैं। हाँ, रुको एक मिनट रुको, ये लो ये विंडोज में नोटपैड लाया, 5 में क्या लिखा हुआ है बताओ मेरे को, जल्दी बोलो जल्दी, टाइम नहीं पांच में क्या हुआ मैं बोलूं, है? हाँ बोलो, पढ़ो उधर क्या लिखा है 5 में। 1 सेकंड, 5 में लिखा है, ये मार्ग मुसलमानों की उन विशेषताओं की भी बात करता है एक जिनके मिनट बारे आहिस्ता में हम आहिस्ता, ये सभी मार्ग जानते हैं, मुसलमानों, एक मिनट, ये मार्ग मुसलमानों की भी बात करता उन है, उन विशेषताओं की भी बात करता है। उन विशेषताओं की भी बात करता है, आगे जिनके बारे में हम सभी जानते हैं, इनके बारे में हम सभी जानते हैं, मैं केवल कुछ विवाद स्तपद मैं शब्दों का, केवल कुछ विवाद तपस, विवाद स्तपद हाँ विवाद स्तपद शब्दों को की व्याख्या करूंगा, क्योंकि विवादास्पद शब्दों क्योंकि व्याख्या, हिंदू ब्लॉग द्वारा उन लेकिन पर जोर दिया जाता है। ये मनु वो भविष्य पुराना का हिस्सा बता रही है या ऑथर का लिखा हुआ बता रही है आप? ये आर्टिकल बता रही हैं, अरे बाबा क्या पूरा सत्यानाश कर दिया, मैंने आर्टिकल पढ़ने के लिए बोला आपको क्या, मंत्र नंबर 5 पढ़ने के लिए बोला आपको क्या मैं यार, आपका पूरा ये मेरी मेहनत बर्बाद मंत्र कर दी। नंबर आप पूरा तो सुनिए ना, एक नहीं बात पूरा बताइए, जब आर्टिकल नहीं, सैयद अली आर्टिकल नहीं, आपने अच्छा पूरा, अच्छा ठीक है, आपने जो वो दिखाया है उसका आप हिंदी का लिखा हुआ दिखा दीजिए आप अभी। सैयद अली नहीं, सैयद अली 5 से आपने अभी 14 की या 12 की जो बात हुई है, हाँ पोपट हो गया मेरा एक्चुअली,
पांच में क्या लिखा है वो बोलो, हम सब समझेंगे कि पांच मेरी से बात बारह सुनिए, तक। आप पहले अपना जी जो सर, जो श्लोक भी है, सैयद जो अली, उन्होंने वो हमने जो बता डॉक्टर दिया, आप जाकिर उससे नाइक, अग्री। सैयद नहीं, अली, आप उसको मतलब लिखा अरबी उसमें है, संस्कृत में, आप उसको खुद ट्रांसलेट कर रहे हो, आप खुद कर क्यों कर रहे चुके हो? हैं उसमें, कर चुके हैं, और उस हिसाब से महामत नहीं जिसका जिक्र है नहीं वो अकुर है। नहीं अगर आप आप अग्री उसको नहीं लिखा करती हुआ है, दिखाइए ना, आप उसका लिखा दिखाया हुआ नहीं दिखाइए गया। ठीक है हमको, ठीक है, मैं स्क्रीन लिखा हुआ पे दिखा देता हूँ। दिखाइए, आवाज आ रही है मेरी? दिखाते दिखाते, रुक स्क्रीन जाओ पे इतना। दिखाइए आप हमको, ठीक है, मैं ये लो, एक एक फिर से पढ़ो। ध्यान से पढ़िएगा क्या यार, दीदी। मैंने पांच से लेके 14 तक प्रस्तुति के पढ़ने के लिए सुंदर बोला शिशिर दीदी ने को। मैं राजा आपका से ट्रांसलेशन कहा, एग्जैक्ट पूरा। भोजराज आप माँ कलेश्वर स्थान के वाहिक नामक भूमि प्रदेश में जाइए, वह भूमि हाँ, मलिच्छ स्थान। द्वारा दूषित हो रही है, उस भीषण क्या मतलब है वाहिक इसका, पहले प्रांत एक के एक पढ़ो और उसका अलग अलग मतलब बताओ। नियम अरे ये। दीदी, एक पढ़ो हाँ और उसका मतलब बताओ, आपको क्या समझ में आया? अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी जो एक लाइन आपने पढ़ी है उसका मतलब क्या समझ में आया? अगर नहीं समझा तो फिर से पढ़ो। इसमें लिखा है, एक स्तुति को सुनकर शिवजी ने राजा से कहा, कहाँ गया, चला गया वो अरे तो। ब्रह्म ब्रह्म राक्षस जी डिस्कनेक्ट हो गए। एक मिनट रुको, मैं जरा कुछ लोगों को बैन करता हूँ। रवि गुड़गांव साहब प्लीज यार स्टूडियो छोड़ दीजिए। रवि गुड़गांव राव साहब, सभी लोग स्टूडियो छोड़ दीजिए। एमडी प्रिंस साहब, ब्रह्म राक्षस साहब हमारे डिस्कनेक्ट हुए हैं, जरा हम उनका इंतजार करते हैं। एक मिनट, जगह खाली कर देता हूँ मैं। सनील कुमार बारा, इतना बोलने के बाद भी हमारे नॉन मोमिन भाई जो है वो लगातार जुड़ते जा रहे हैं, फिर बैन कर देता हूं तो बोलते हैं बैन क्यों किया। थोड़ा रुक जाते हैं हमारे भाई के लिए और हाँ उसके चलो बाद चलो कोई बात नहीं। चलिए कुछ सुपर चैट्स भी ले लेते हैं जब तक। पल्लव दास जी, थैंक यू सो वेरी मच। गेमिंग विथ समू कह रहा, आई लाइक योर वर्क फॉर ह्यूमैनिटी। माशा ओम, आई लव यू, थैंक यू। पल्लव दास भाई कह रहे, सोने की एक्टिंग करने वालों को नहीं जगा सकते। नहीं, हम जगाएंगे, टेंशन ना ले। प्रशांत अपंड, ये केरला स्टोरी नाम से जो आए हैं इनको भी बैन कर दिया मैंने। जो जो लोग जुड़ते जाएंगे मैं बैन करते जाऊंगा। रवि गुरगांव साहब आप स्टूडियो छोड़ दीजिए वरना मुझे आपको बैन करना पड़ेगा। प्रशांत अपंडकर साहब कह रहे, मद में मस्त हाथी सेक्स के लिए पागल होता है। महामद मीन्स बहुत बड़ा, सेक्स में पागल हाथी सबको पता है, और वो एक असुर प्रवृत्ति है, ब्रह्म राक्षस ही समझ लीजिए। थैंक यू सो वेरी मच प्रशांत भाई, मैं वेट कर रहा हूँ। हम आ गए, ब्रह्म राक्षस सब आ गए। ओके भैया ब्रह्म राक्षस ना कहें उसे, आप ब्रह्म राक्षस की, उन्हें ब्रह्म राक्षस की आप बेइज्जती कर देंगे। ब्रह्म राक्षस को कम से कम ज्ञान होता था, क्या बोल रहे हैं आप चलिए जी। हीटेड डिबेट भाई, वो स्क्रीन आ गई। हाँ दीदी पढ़े आप अभी। क्या दीदी है क्या? दीदी चली गई। हाँ हाँ हूँ मैं फिर से पढ़िए, शुरू से पढ़िए। इसमें लिखा है, पर इसमें आपने ऊपर ये कुछ नहीं लिखा हुआ ना कि ये कहाँ से आपने उठाया हुआ, ये तो अपनी अरे हैंडराइट, आप खुद देवी भी टाइप करके जी, दे सकते मेरी हैं। राइटिंग नहीं है ये, ट्रांसलेशन है, टेक्स्ट मैच कर हाँ तो लीजिए, पूरा इससे ऐसे ज्यादा कुछ दिखाइए क्या ना। है। हाँ, ये ऊपर संस्कृत है, नीचे हिंदी का ट्रांसलेशन है। इतना समय नहीं है मेरे पास अब कि मैं समय, अब टेक्स्ट आप लूंगा। डिबेट भी कर रहे हो, आपके पास आप पूरी पूरी रात समीर जी को फ्लर्ट करना था उस लड़की के साथ, कल क्या नाम था उसका, सुमैया अरे ये कश्मीर की। साहिल का चैनल है सैयद अरे अली, ये ये साहिल अलग का चैनल है। चैनल है, नहीं उसके साथ फ्लर्ट करना था तो आप पूरी पूरी रात फ्लर्ट करते हो, अब जब आपको मिल रहा है कोई आपको जवाब देने वाला, अब आप कहते हो कि भैया इतना टाइम मौका, नहीं है। भैया अगर तुमने टीवी पे बैठे अभी बैठे भी कह रहे हैं रिसर्च ना कर रहा कि था इतना गेमिंग टाइम में, नहीं है ना कि हम ऐसे ऐसे अभी करके बोला दिखाएं, अभी कहाँ बोला आप बोला लोग, अभी बोला, मैंने, बोला ठीक ऐसे सर कि मैं, हमारे पास टाइम नहीं है। मुझे नहीं पता किसने बोला, नाम नहीं जानती मैं, अरे सब सबकी मैं आवाज देख सेम रही है। हूँ आप सैयद अली, पढ़ो ना, अभी आपके सामने स्क्रीन है, पढ़ो। हाँ अच्छा एक छोटी सी बात, छोटी सी बात, छोटी सी बात, 2 मिनट।
मैं कंफ्यूजन क्लियर किए देता हूँ देवी जी, मैंने इस बात पे नहीं बोला था, मैंने इस बात पे बोला था कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं एक पुराण बनाऊँ, उसको पुराना करूँ और फिर उसकी आर्काइव में पीडीएफ बनाऊँ और फिर आपके सामने प्रेजेंट करूँ। हाँ दीदी, चलिए असल में दीदी जो है वो रसूलुल्लाह ने जो कहा था आधे दिमाग वाली होती है, दीदी असल में वो साबित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दीदी को हम दिमाग वाली समझते हैं। दीदी आप शुरू से पढ़े, पहले टाइम वेस्ट ना करें प्लीज। हाँ इस श्रुति को सुनकर पढ़िए ये। इस स्तुति को सुनकर शिव जी ने राजा से कहा, भोजराज आप महाकालेश्वर स्थान के स्थान वाहिक नामक भूमि प्रदेश में जाइए। वह भूमि मलेच्छों द्वारा दूषित हो रही है। उस रुके भीषण रुके 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 रुके, क्या मतलब है इसका? मतलब के शिवजी ने राजा से कहा, भोजराज आप महाकालेश्वर जाइए, ठीक है, महाकालेश्वर स्थान के वाहिक नामक भूमि प्रदेश में जाइए जहाँ पे मलेच्छ द्वारा दूषित हो रही है। अब देखो मलेच्छों के दो ओके अर्थ नहीं मैंने पढ़े हैं, एक ठीक होता है, है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। यहाँ पे अब इस वाली जो वर्ड्स है उसमें ये बात है कि एक भूमि है, एक जगह है, और वहां पे उसको दूषित की जा रही है, उसको गंदा किया जा रहा है, उसको नापाक किया जा रहा है, और नापाक करने वाले कौन है? मलेच्छ लोग। ठीक है, ये बात अभी सबको समझ में आई, आगे बढ़िए। वो भूमि मलेच्छ द्वारा दूषित हो रही है। उस भीषण वाहिक प्रांत में आर्य धर्म नहीं है, यहाँ वहां पे बलि दे। आर्य धर्म, अरे रुको समझना है, सेकंड लिखा हुआ है कि उसमें आर्य धर्म नहीं है, ठीक है, उस जगह पे, आगे बढ़िए। यहाँ बलि देते से प्रेरित यही त्रिपुरासुर पुनः आ गया है। रुको रुको रुको, यहाँ पे जहां पे जमीन गंदी हुई है वहां पे एक त्रिपुरासुर पुन्ना आ गया है, वापस आया है, ठीक है आगे। महामायावी को मैंने भस्म कर दिया था, जिसको वह। पहले मैंने एक मिनट रुकते हाँ जाइए। मैं अरे समझ गई, उसने भस्म तुम कर सैयद दिया। अली, आप समझ गई, हम सबको समझना है, आपको भी 11,000 लोग देख रहे हैं, थोड़ा सब्र करें, समझ, हम सब समझ रहे हैं ताकि आपको भी समझ में आए। इतना समझ में आया कि वो जो जमीन है वो दुष्ट हो गई है, वहां पे त्रिपुरासुर फिर से आया है जिसको पहले उन्होंने भस्म कर दिया था, ठीक है, ये गंदा इंसान है, इतना समझ में आया, आगे। वो ये आयोनी से उत्पन्न, हाँ हाँ से उत्पन्न श्रेष्ठ एवं देव के वंश का वर्धक है, हाँ ठीक है, मोहम्मद महामद उसका करेक्ट, नाम है। थैंक यू। एक मिनट रुक जाओ अभी, थैंक यू। सब लोगों ने सुना कि जिस नेगेटिव कैरेक्टर की यहां पे बात हो रही है उसका नाम महामद है, इतना आपको भी समझ में आया? आया नहीं आया अभी भी? हाँ समझ आया, लेकिन अब थैंक आप ये यू। बताइए कि हाँ ये जो आप मैंने भी तो आपको पढ़ के दिखाया है, वो भी तो आपको समझ में आया होगा ना। समझाना, अभी आपके सामने पढ़ा कि जो दुष्ट व्यक्ति है इधर जिसकी बात हो रही है उसका नाम महामद है, और जाकिर नायक महामद को मोहम्मद साहब कहता है,